दो लोगों की कार में जलाकर हत्या किए जाने का खुलासा होने के बाद मृतक के परिजन मथुरा पहुंचे। यहां पोस्टमार्टम के बाद वे शवों को परवल ले गए। पोस्टमार्टम ग्रह पर मौजूद ये सभी लोग पलवल के रहने वाले हैं, जो कि खेलन के परिजन और रिश्तेदार हैं। हम आपको बता दें कि चार दिन पूर्व छाता बरसाना मार्ग पर जली हुई कार मिली, जिसमें दो जले हुए शव भी मिले। इन शवों को लेकर पुलिस कई सारे कयास लगा रही थी। इन शवों को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आईं, लेकिन जब पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़नी शुरू की तो मामला हत्या का निकला। ये हत्या 3.25 करोड़ का बीमा पाने की खातिर हुई थी। बाद में पलवल से मथुरा पहुंचे खेलन और उसके साथी के परिजनों ने शिनाख्त कर ली। वहीं इस मामले में षडयंत्रकारी लाला राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां लाला राम ने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां की। इस घटना का खुलासा होने के बाद मृतकों के परिजन मथुरा स्थित पोस्टमार्टम गृह पहुंच गए, जहां पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद परिजन मृतकों के शव को लेकर पलवल के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व हुई बातचीत में मृतक लेखन के भाई अजीत ने पत्रकारों से बातचीत में इस घटना के बारे में जानकारी दी। रोहतास सिलेंडर का हुआ, रोहतास से तो रात को उठा लाई पुलिस जेवर से। क्या नाम है बीमा एजेंट को? कैसा ही कह रहे हो? कैसा नाम? उसी ने कन्फ्यूजन में लाए थे डेड बॉडी दिखा दो हम। उसी ने कन्फ्यूजन, अगर वो इस बयान को ना देते उसी दिन पहचान में आ जाते। उसी जगह कहती डेड बॉडी बी के हॉस्पिटल से लेकर खरीद बीमा एजेंट ने कही होगी किशन ने। तो मुझे तो ऐसा बताया गया था। बीमा एजेंट होटल के पास सोंद गाँव में। सोंद जी? सोंद हाँ। किशन सोना ना लिखेंगे हम।